दोस्तों, आज मैं अरहर की दाल में चना भाजी डाल के दरभजिया बनाने जा रही हूँ। चलिए, ये अरहर की दाल है, ये टमाटर है, ये चना भाजी हमने धो के धरा है वो है, और ये अदरक लहसुन मिर्ची और हरी धनिया का कुचला हुआ पेस्ट है, ये हींग है, ये धनिया पाउडर है, ये पाव भाजी मसाला है, ये लाल मिर्च है, और ये सांभर मसाला है, और ये हल्दी, नमक, हींग, और ये है हमारा जीरा, मेथी, राई। अब हम कुकर में अरहर की दाल डाल देंगे। ये चना भाजी भी डाल देंगे और टमाटर डाल देंगे, और ये जो अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट है ये थोड़ा बचा देंगे, जब हम फ्राई करेंगे दाल को तब डालेंगे, और अभी डाल देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये जो हींग, नमक, हल्दी है इसको डाल देंगे, अभी भी हींग डालेंगे, जब फ्राई करेंगे हम दाल को तब भी हींग डालेंगे। ये हींग डाल दिए और पानी डाल के कुकर में सीटी लगा देते हैं। हम 4-5 सीटी लगा देंगे। ये देखिए, हमारी भाजी पक गई है, दाल और भाजी, चना भाजी। अब इसको फ्राई करते हैं। ये देखिए, हमारा तेल गरम हो गया है, हम सरसों, जीरा, राई डाल देते हैं। और ये अदरक लहसुन मिर्ची और धनिया का पेस्ट डाल देते हैं। साथ में हींग, पाव भाजी मसाला, सांभर मसाला, लाल मिर्ची और धनिया पाउडर डाल देते हैं। अब हमारी दाल पक गई है, अब हम दाल डाल देते हैं। अब हम दाल में धनिया डाल रहे हैं, धनिया पत्ते। ये देखिए हमारी दाल, चना भाजी मिला के बनाई हुई अरहर की दाल। आप भी बनाइए और खाइए चटपटी दाल। ये देखिए दाल हमारी।